हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एड्सॉर्प्शन के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर रिटेन्ड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। जब हमारे जो है किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल सरफेस पे ही एडहर होके रहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन, क्योंकि एड्सॉर्प्शन जो है हमारा सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा बल्क फिनोमिनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज इन्वॉल्व इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है? तो जो हमारी वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं वो हमारी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फिजिक्स ऑप्शन के रेस्पेक्ट में हमारी सही स्टेटमेंट है? तो फर्स्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड, डिक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। थर्ड, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज। और फोर्थ, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो हमारी डी वाली स्टेटमेंट है ये हमारी सही स्टेटमेंट है, तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फिजिक्स ऑप्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फिजिक्स ऑप्शन के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट है? इट इज़ रिवर्सेबल, रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है। डेल्टा जी जो है इसकी जो है नेगेटिव होती है, और जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव होती है। तो जो डी वाली स्टेटमेंट है ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कि केमीज ऑप्शन इज स्ट्रॉगर देन फिजिक्स ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ही हमारी सही स्टेटमेंट है। क्योंकि जो केमीज ऑप्शन होता है इसमें जो होते हैं आपके एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो इस वजह से जो है हमारा केमीज ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा, उसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेज होती है एज कम्पेयर टू फिजिक्स ऑप्शन। क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में जो इंट्रैक्शन होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वो वैन डर वाल इंट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से ए वाली स्टेटमेंट इसकी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? जहाँ हमारा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, कॉटन डिप्ड इन इंक। जब कॉटन को हम डिप में इंक में डिप करते हैं तो पहले वो उसके सरफेस पे आपके जो है सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद फिजिकल एड्सॉर्प्शन। हमारा किस चीज़ से बढ़ता है? हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो है हमारा जो है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू केमीज ऑप्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी केमीज ऑप्शन के लिए सही नहीं है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, ये उनकी नेचर पर डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। हैज़ अ लार्ज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो है हमारी लार्ज ऑफ हीट एड्सॉर्प्शन होती है केमीज ऑप्शन में, ये भी सही है। फॉर्म्स अ यूनि मोलिकुलर लेयर, हमारी फिजिक्स ऑप्शन में तो मल्टी लेयर बनती है लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में केवल मोनी लेयर बनती है, तो ये भी सही है। डी, अक्कर सेट लो टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ये हमारा हाई टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट, डेस्ट इज द सब्सटेंस ऑन विच सरफेस एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इनमें से कौन सा जो है सब्सटेंस है जिसके ऊपर हमारा सरफेस एड्सॉर्प्शन होता है? तो एड्सॉर्बेंट के ऊपर होता है, सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लैंगम्यूर एसोथर्म व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज, जब प्रेशर हमारा गैस का बहुत ज़्यादा होता है तो एड्सॉर्प्शन पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो ये तो इसके हमारे चार ऑप्शन हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेशर। तो हमारा जो है इसमें जो है ये सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग केमीज ऑप्शन। केमीज ऑप्शन के रिगार्डिंग में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज़ ए मोनो इलियरिक इन नेचर, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ रिवर्सेबल इन नेचर, इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। तो इनमें से जो है हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही स्टेटमेंट है, ये हमारी मोनो लेयर बनाती है। नेक्स्ट, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी एड्सॉर्प्शन की करेक्टरिस्टिक सही नहीं है? एड्सॉर्प्शन इन जनरल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एड्सॉर्प्शन जो है हमारा जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इनमें से कौन सी चीज़ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए सही नहीं है? इट इज़ रिवर्सेबल, रिवर्सेबल होता है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है,
इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीलेयर, ये भी सही है। तो इसका डी वाला ऑप्शन जो है हमारा जो है ये जो है हमारी ये सही नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सेबल भी होता है, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, मल्टीलेयर भी बनाता है, इट नीड्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये हमारी कैटलिस्ट के वाले पार्ट में इंक्लूड होता है। तो डी वाली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड सर्फेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन होता है गैस का सॉलिड की सर्फेस पे, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है एक्सोथर्मिक प्रोसेस? बिकॉज एंट्रोपी चेंज डिक्रीज फॉर द गैस, क्योंकि जो आपका एंट्रोपी जो चेंज होती है वो घट जाती है गैसेस के लिए। तो ये ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ ग्राफ ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं, जो हम जिसमें हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट, विच आइसोथर्म मॉडल एक्सप्लेन केमिकल एड्सॉर्प्शन। इनमें से कौन सा मॉडल केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है? तो हमारा जो लैंगमुइर आइसोथर्म है वो उसकी वो केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द लैंगमुइर थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन इज नॉर्मली वैलिड है। जो लैंगमुइर की थ्योरी होती है वो नॉर्मली किस कंडीशन पे वैलिड होती है? वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वैलिड होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। जब दोनों हमारे साइमल्टेनियसली होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाई विच फैक्टर। इनमें से कौन से फैक्टर से हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अफेक्ट होता है? तो हमारा तीनों ही फैक्टर से होता है, सरफेस एरिया से भी, टेम्परेचर से भी, प्रेशर से भी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ ए बी एंड सी। नेक्स्ट, विच इज़ लेस देन जीरो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। इनमें से कौन सी जो है वो जीरो से कम होती है एड्सॉर्प्शन के लिए? एंथैल्पी, फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। तो हमारी तीनों ही नेगेटिव होती हैं, डेल्टा एच बी, डेल्टा जी बी और डेल्टा एस बी। तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, 21, फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सर्फेस द प्लॉट ऑफ लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी इज लीनियर विद द स्लोप टू। जो हमारा ये हम यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं एक लॉग एक्स बाय एम और लॉग पी के अलोंग यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हमें लीनियर ग्राफ मिलता है जिसका स्लोप किस चीज़ की वैल्यू देता है? 1/n की। तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एसोसिएटेड। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कौन सी फोर्सेज एसोसिएटेड होती हैं? वैन डेर वाल फोर्सेज होती हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, 23, फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड सर्फेस विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से हमारी जब हमारी गैस जो है सॉलिड सर्फेस पर एड्सॉर्ब होती है तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज़ अ रिवर्सेबल प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन इज अकम्पेंड बाय, एड्सॉर्प्शन हमारा तब होता है तो डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब जो हमारी डेल्टा जी है वो नेगेटिव होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। टी एस वैल्यू फॉर द प्रोसेस टू बी पॉजिटिव, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज इन एंथैल्पी, इनमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, तीनों चीज़ नेगेटिव होती हैं हमारी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ ग्राफ ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है और एड्सॉर्प्शन का ग्राफ बनाते हैं एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, तो हम इसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सही ऑप्शन है इसका ए। तो ये थे हमारे कुछ एड्सॉर्प्शन के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थैंक यू।